पंच बुद्धे, ओम साई राम मैडम, पंच बुद्धे जी, ओम साईं राम ओम साई सर राम जी। दीदी बोलिए। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जुलाई 1991। जुलाई 1991। शादी को लेकर हाँ सवाल है, सर। मुझे ये लड़का लव मैरिज करने वाला है। शादी ओके सर, को लेकर सवाल होंगे तो पहले बता एक्चुअली दिया मैंने। हाँ, नहीं नहीं एक्चुअली उसने किया था, लेकिन वो डाइवोर्स हो गया उसका ना। लव मैरिज किया ना उसने, हाँ, लव मैरिज किया था। क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया। तो और बाद में सर बता रहा मेरा आपको क्वेश्चन था इसके। उसके सर्विस। हाँ, हाँ सर मैं बता सर रहा है इसके हाँ बाद। और एक तो एक टूट गई इसका, तो और इसके लाइफ में दो लोग और आएंगे इसके बाद में। ओके। एक तो इसके लाइफ में तीन लड़कियों के योग है, तीन बार शादी के योग बने हैं। एक तो उसकी टूट गई, दो लड़कियों के चांस और है। हो सकता है एक से शादी ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रिलेशनशिप रहेंगे पक्का। आपके अच्छा, सवाल और पूछे, क्या सवाल आपका? सर मेरा सवाल है कि उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है, लेकिन वो जा नहीं रही है ठीक से ना। रेलवे में जॉब लगी है उसकी, लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो ये करेगा क्या रेलवे में जॉब कंटिन्यूशन में? दीदी मुझे जो एक करंट ईयर लग रहा है 2023 जून के पहले, 2023 जून है, सवा साल का जो पीरियड है, ये टाइम पे इसे जॉब छोड़ भी सकता है, समझे आप? अच्छा, छोड़ सकता है। हाँ, जून 2023 के पहले, जून 2023 के पहले। हाँ एक सवा साल का जो टाइम है उसमें कंफ्यूज रहेगा करूँ कि नहीं करूँ। अगर उसने जून 2023 तक नहीं छोड़ा जॉब को, तो लाइफ भर वही काम करेगा वो। ओके ओके सर, उसकी शादी फिर उसके बाद ही होगी ना, सेकंड जो मैरिज है अगले साल भी हो सकती दीदी, ये साल में, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट दो ईयर। हजार 2023-24 में शादी के योग बन रहे हैं, वो टाइम पे पक्की शादी हो जाएंगी इसकी। थैंक ओके ओके थैंक यू सर जी, थैंक यू। यू दीदी, थैंक यू। थैंक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जी प्रवीण पूरा भाई। जी जी